सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम 9th क्लास में स्केल नंबर 13 की कागज पाठ करेंगे। इसकी लेंथ है 86 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 50 सेंटीमीटर और हाइट है 60 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ ज़्यादा है इसलिए हमने कागज को लेंथ की तरफ रखा है। इसमें जो फुट्टा यूज होगा वो होगा 1.5 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर से फुट्टा यूज होगा। तो इसमें लेंथ 86 और ब्रेथ 50 है तो ये जोड़ के आता है 136 सेंटीमीटर। तो ये हमने यहाँ पे 136 सेंटीमीटर काटना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है 130, 35 और 1 सेंटीमीटर हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से ये 136 सेंटीमीटर। बची हुई शीट के हमने बराबर 3 भाग करने, उसके लिए हमने यहाँ से एक न्यू कोण लेना है इस तरह से, और इस पर हमने बराबर 3 निशान लगा देने हैं। यहाँ से हम यहाँ पे इसमें बराबर 3 निशान लगा देंगे, एक दो और 3, और इसमें हम नाम लिख देंगे इसके 0, 1, 2, 3। इसके बाद हमने 3 पॉइंट को जो है वो लास्ट के साथ मिला देना है यहाँ पे। उसके बाद इसी के समांतर रेखा हम लेंगे 2 से, फिर लेंगे 1 से, और हमने इतनी प्रकार खोल के 1, 2, 3 एक भाग हमने यहाँ छोड़ देना है लेफ्ट साइड में, और फिर हम लेंगे इसकी प्रॉपर लेंथ जो है वो हम लेंगे। इसकी लेंथ इसकी है 86 सेंटीमीटर, हमने यहाँ से 86 सेंटीमीटर काटना है। यहाँ से ये आपका है 80, 85 और 1 सेंटीमीटर हम यहाँ से लेंगे। इसमें यहाँ से ये आप देख सकते हैं 86। इसके बाद हमने लेना है एक भाग, तो यहाँ से ये हमारा एक भाग आ रहा है। उसके बाद हमने लेना है यहाँ पे ये एक भाग आया है, इसकी ब्रेड्थ, और इसकी ब्रेड्थ है 50 सेंटीमीटर। यहाँ से ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 50 सेंटीमीटर है, बिल्कुल बराबर आ रहा है, एक भाग हमारा बच रहा है। इसी तरह से अब हमने यहाँ पे नीचे भी इसमें यहाँ से पहले हमने एक भाग लेना है, तो ये हमने ले लिया है। उसके बाद हम काटेंगे इसमें लेंथ, प्रॉपर लेंथ काटेंगे। इसकी लेंथ है 86, तो ये 85, 1 सेंटीमीटर हम यहाँ से ले लेंगे, तो ये 85 और 1, 86। उसके बाद एक भाग, फिर हम काटेंगे इसकी ब्रेड्थ, इसकी ब्रेड्थ है 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 50 सेंटीमीटर, और ये हमारी एक भाग बच गया। इसके बाद हमने इसको मिलाना है, इस तरह से हम इसको मिला देंगे हल्की लाइन से, और एक लाइन हमारी यहाँ पे आएगी यहाँ पे, इसको भी हम हल्की लाइन से मिलाएंगे, एक लाइन हमारी यहाँ आएगी इस तरह से, और एक लास्ट लाइन हमारी चौथी लाइन यहाँ आएगी इस तरह से। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जगह मैंने ज़्यादा छोड़ दी है, यहाँ पे कम जगह यहाँ पे छूट रही है। ये मैंने इसलिए किया कि यहाँ हमने कागज बाट करने के बाद 3 भाग करने थे, तो यहाँ थोड़ी जगह की ज़रूरत थी। बस तो हाशिया बराबर लगता है, यह इसलिए बढ़ा रखा है मैंने क्योंकि जब हमने इसमें हाइट में अभी हमने इसको काटना है लेंथ, हाइट और ब्रेथ इसकी, तो ये जैसे इसकी हाइट और ब्रेथ है 110 सेंटीमीटर है, जैसे मैं यहाँ 110 सेंटीमीटर इसकी काट रहा हूँ यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ भाग के लिए बहुत कम जगह बच रही थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, और लाइन जो है 2 mm पे लगा रखी नीचे, तो ये गलत नहीं है, इस सिर्फ इसलिए पेज को एडजस्ट करने के लिए मैंने लगाई है। जैसे यहाँ 110 सेंटीमीटर हमने काट दिया है ब्रेड्थ और हाइट को जोड़ करके, और यहाँ लाइन हमने लगा दी है इस तरह से। इसी स्थिति में हम देख सकते हैं हमारे पास कितनी
कागज बचा हुआ है हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास बच रहा है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर के यदि हमने 5 भाग करने हैं तो 4 mm का एक भाग होगा, तो हम डायरेक्ट निशान लगा सकते हैं यहाँ पे 4 mm पे, 4, 8 यहाँ से 12 और 4 16 और 4 20, इस तरह से ये 4 mm पे निशान लगा दिए। वो हमने यहाँ पे लास्ट जो पॉइंट हमारा है इससे हमने एक रेखा खींचनी है अपनी मर्जी से इस तरह से, और इसी के समानांतर हमने आगे रेखा लगा देनी है नीचे से ऊपर को यहाँ से इस तरह से, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये हमारे इस तरह से जो है वो 5 बराबर भाग हो गए हैं। अब हमें पता है कि हमने हमारी प्रकार इतनी नहीं खुलनी थी इसलिए हमने इस तरह का कार्य किया है 4 mm पे। अब हम 8 mm हमारा जो प्रकार वो खुल सकता है, यहाँ से हमने 2 भाग जितनी प्रकार खोलनी है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं ये कोई से भी 2 भाग ले लो, आप ये देखिए ये लो चाहे ये लो कोई से भी 2 भाग आप ले सकते हैं, आप ये देखिए बिल्कुल 2 भाग बराबर है हमारा। तो हमने 2 भाग जितनी प्रकार खोलनी है और ऊपर से यहाँ से जो है वो हमने 2 भाग इसमें काटने हैं इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने लेना है इसमें प्रॉपर इसकी हाइट, तो हाइट इसकी है 60 सेंटीमीटर यहाँ से, ये आप देख सकते हैं। और अब हमने लेना है इसका एक भाग, तो एक भाग इसका 4 mm का, तो हम फुट्टे से ही 4 mm काटेंगे यहाँ से, यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद हम लेंगे इसकी ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ इसकी है यहाँ से 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं देखिए बिल्कुल 50 सेंटीमीटर हमने बराबर ले रखा है और 2 भाग हमारे बच जाते हैं यहाँ पे। इसी तरह से हमने ये 2 भाग जो है वो ये जितने हमने यहाँ काट रखे हैं ये 2 भाग हमने यहाँ भी काटने हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये हमने 2 भाग काट दिए हैं। और अब हम काटेंगे इसमें इसकी प्रॉपर हाइट, और प्रॉपर इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर, यहाँ से 60 सेंटीमीटर फिर हम काटेंगे 4 mm 4 मिलीमीटर यहाँ से 4 मिलीमीटर, और उसके बाद हम काटेंगे इसकी प्रॉपर ब्रेड्थ, और इसकी ब्रेड्थ है यहाँ से 50 सेंटीमीटर, तो ये हम यहाँ से 50 सेंटीमीटर काट देंगे, ये आप देख सकते हैं 50 सेंटीमीटर हमने यहाँ से काट दिया है। बची शीट के हमारे 2 भाग ये बच गए हैं, अब हमने इसको मिलाना है यहाँ से, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से हम यहाँ लाइन लगा देंगे इस तरह से, यहाँ हम थोड़ी सी लाइन बीच में लगा देंगे हाइट लिखने के लिए, और जो ये दूसरी लाइन हमारी आएगी ये हमारी पूरी डार्क लाइन और पूरी लाइन आएगी, इसमें हमने एक्स वाई लिखना है क्योंकि बेसिक लाइन है हमारी। यहाँ पे हमने ये लाइन इतनी सी आएगी इस तरह से, और ये हमारी लास्ट लाइन है यहाँ पे यहाँ पे, ये यहाँ हमारी पूरी आएगी लाइन, यहाँ हम सिर्फ निशान लगाएंगे हल्की सी लाइन, हम यहाँ इसको बढ़ा देंगे, यहाँ पे हमने तिरछा इसको मिला देना है यहाँ से, ये प्रोजेक्शन के लिए है। अब जो लाइनें हमारी लाइट है इनको डार्क कर देंगे और एक्स्ट्रा लाइन को हम जो है वो मिटा देंगे इस तरह से। अब हमने इसमें यहाँ हम लिखेंगे इसमें एक्स वाई लाइन लिखेंगे, और यहाँ पे हम इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट के लिए लाइनें लगा देंगे, तो यहाँ से हम इसकी हाइट की लाइन लगाएंगे, यहाँ से हम इसमें ब्रेथ और यहाँ से लेंथ के लिए हम लाइन लगाएंगे, इस तरह से ये है इसकी हाइट, और हाइट है 60 सेंटीमीटर, यहाँ इसकी है ब्रेथ और इसकी ब्रेथ है 50 सेंटीमीटर, यहाँ इसकी है लेंथ और इसकी जो लेंथ है वो है
86 सेंटीमीटर है। यहाँ हम इसकी एलिवेशन इसमें लिख देंगे, यहाँ हम लिखेंगे इसकी साइट प्लान और प्रोजेक्शन, यहाँ हम इसमें फुट्टा बनाएंगे। स्केल नंबर इसमें हमें यूज करने को कहा गया 1.5 सेंटीमीटर और यहाँ हम इसमें फुट्टा बना देंगे। तो ये हमारा 4 नंबर का काम हो जाता है, 2 नंबर की कागज बाट है और 2 नंबर का इसमें फुट्टा बनके हमारा तैयार हो गया। इस तरह से ये हमारी स्केल नंबर 13 है, इसकी कागज बाट बन गई है। और इसकी सॉल्व स्केल की भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां पर जाकर के इसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।